हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोरोना के चार वेरिएंट्स के बारे में देखेंगे। कोरोना के चार वेरिएंट्स ऐसे पाए गए हैं जो न कि केवल तेजी से फैलते हैं बल्कि काफी प्राणघातक भी है। इनका नामकरण ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पर किया गया है। तो पहले हम लोग अल्फा के बारे में देखते हैं। तो अल्फा जो वेरिएंट था, यह वेरिएंट सबसे पहले सितंबर 2020 में ब्रिटेन में पाया गया। यह मूल कोरोना वायरस की अपेक्षा 30 से 70% ज्यादा घातक पाया गया। इस पर कोरोना वैक्सीन कारगर पाई गई। उसके बाद आया बीटा। ये वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। मूल वायरस की अपेक्षा यह भी बहुत तेजी से फैलता है। कई मामलों में वैक्सीन से बनने वाली प्रतिरोधकता को भी यह वेरिएंट झूठा बता देता है। इसके चलते दोबारा संक्रमण की आशंका रहती है। उसके बाद आया हमारा गामा वेरिएंट। यह वेरिएंट पिछले नवंबर में सबसे पहले ब्राजील में संज्ञान में आया था। कई म्यूटेशन होने से यह तेजी से फैलता है। बीटा की तरह इससे भी लोगों के दोबारा संक्रमित होने की आशंका रहती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा लहर आया, उसमें हमने डेल्टा वेरिएंट को देखा। तो ये वेरिएंट भारत में सबसे पहले अक्टूबर में महाराष्ट्र में पाया गया। दूसरी लहर में देश में कोहराम मचाने के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार रहा। यह अब तक का सबसे तेजी से संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट है। ये वैक्सीन और कोरोना से बनी प्रतिरोधक क्षमता को झूठा बताने में भी सक्षम है। और सावधान रहे, अभी हमारा डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट आया है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट में ही कुछ म्यूटेशन होने के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, जो बहुत ही तेजी से फैलने वाला है और जो कि भारत में अपना दस्तक दे चुका है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। उम्मीद है कि आप भी जितने भी गाइडलाइंस है उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और घर पर रहेंगे और अपने को सुरक्षित रखेंगे और इस तरह से सरकार को मदद करेंगे। धन्यवाद।